संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आर्थिक स्थिति पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। कहा, बरकरार है विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर देश की रफ्तार। राज्यसभा में दिए अपने जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से आगे बढ़ी है देश की अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लक्ष्मीपत सिंघानिया आईआईएम लखनऊ नेशनल लीडरशिप पुरस्कार में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति ने कल्याणकारी और दूरदर्शी सोच के लिए आईआईएम लखनऊ को दी बधाई। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की हुई बैठक। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दोनों सदनों के भाजपा सांसद भी हुए शामिल। तीन राज्यों में प्रचंड जीत पर संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य अभिनंदन। प्रधानमंत्री ने कहा, यह जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सभी के प्रयासों से मिली चुनाव में जीत, कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है यह जीत। 2047 तक बनाना है देश को विकसित, सभी एमपी विकसित भारत यात्रा में हो शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत से साझा किए गए इनपुट के आधार पर जांच शुरू। राज्यसभा में सवाल के जवाब में कहा कि कनाडा ने कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए उस पर किसी जांच का सवाल ही नहीं उठता। नई दिल्ली में सीआईआई ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिसी फोरम की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया संबोधित। विश्व के नेताओं से ग्लोबल साउथ की आवाज बनने और जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए लगातार काम करने का किया आह्वान। कमजोर पड़ा चक्रवात मिचौंग, लेकिन बाढ़ से हालात खराब। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में प्रभावित इलाकों में आज वो कर रहे हवाई सर्वे। देहरादून में दो दिवसीय डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समिट के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 और 12 दिसंबर को रहेंगे लखनऊ के दौरे पर, आगमन की तैयारियां तेज। जिलाधिकारी ने की तैयारियों की समीक्षा। गरीबों और वंचितों को घर मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार 8 से 10 दिसंबर के बीच 97,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवासों का करेगी पूजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत चलाया जाएगा भूमि पूजन का अभियान। आज भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग और समर्पण के सम्मान और वीर शहीदों की स्मृति में 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है यह दिवस। तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी की ताजपोशी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत शामिल हुए कई नेता। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी बधाई। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिया कि 15 से 31 दिसंबर तक सुरक्षा पखवाड़े का हो आयोजन। 3 बार चालान होने पर लाइसेंस किया जाए निरस्त, न मानने वालों के वाहनों का पंजीकरण भी हो निरस्त। प्रदेश में अब 5 साल बाद नए सिरे से बनाई जा सकेगी हर सड़क। इस अवधि में निर्माण फर्म की होगी रखरखाव की जिम्मेदारी। शीघ्र ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा प्रस्ताव। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने सड़क मरम्मत में लापरवाही पर 4 जेई को किया बर्खास्त। प्रमुख सचिव ने 6 जेई का तबादला भी कर दिया है। गंगा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में संरक्षित होंगे वेटलैंड। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में 50 वेटलैंड को किया जाएगा सूचित। 2 फरवरी को ग्राम पंचायत स्तर पर वेटलैंड दिवस का किया जाएगा आयोजन। अयोध्या एयरपोर्ट की टिकट बुकिंग के लिए कोड जारी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आवंटित AYJ कोड से शुरू होगी बुकिंग। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम पूरा। श्रीराम एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ाने। चक्रवाती तूफान मिचौंग की वजह से लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बादल। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से पछुआ हवाओं के चलते रात के तापमान में और होगी कभी बढ़ेगी ठंड।